नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान जिस विवाहिता का आप फोटो देख रहे हैं, इसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन दहेज से परेशान होकर ही इसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और घटना से 1.5 घंटे पहले ही युवती ने अपने भाई को आखिरी बार फोन कर सारी घटना के बारे में बताया है और कुछ सबूतनुमा फोटोज एंड वीडियोज भी भाई को भेजे हैं। बताया जा रहा है कि इसी दौरान भाई ने अब दहेज सहित हत्या का मामला दर्ज करवा दिया है। पूरा मामला है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से निकल कर आ रहा है और पुलिस ने बताया कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले 25 वर्षीय का यह मामला है। और भाई ने यह भी बताया कि करीब 25 लाख रुपए खर्च किए गए थे, दहेज में भी भारी माल दिया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि घर बनाने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए और मांगे थे जो दे दिए गए थे। और दहेज की डिमांड पूरा करने के लिए ससुराल वाले फिर से लालच में आ गए थे और बताया जा रहा है कि लगातार ही सुमन को परेशान किया जाने लगा था। अब उसने आखिरी बार भाई को फोन कर पूरी घटना के बारे में बताया है और कुछ फोटोज वीडियोज भी भेजे हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए पूरे ससुराल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और जल्द ही इस पूरे मामले में जांच पड़ताल फिर से की जाएगी और बताया जा रहा है कि जल्द ही न्यायिक अभिरक्षा में सभी को भेज दिया जाएगा। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।